हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा है ये गोदरेज का एज। इसमें हम फ्रीजर बॉक्स चेंज करेंगे। देख सकते हैं ये फ्रीजर बॉक्स पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इसमें पूरा चाकू से आइस निकालते निकालते पूरा बहुत ख़राब हो गया है। ये आयल भी आ गया है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो हमें फ्रीजर बॉक्स चेंज करेंगे, आपको बताएंगे किस तरह से चेंज करना है। पहले हम इसे निकालेंगे। तो हम ये बॉक्स निकालेंगे, इसमें दो नट हैं, यहाँ पे 10 mm के बोल्ट हैं इधर और इधर, और ये भी टूट गया है इसका कवर, ये भी हम चेंज करेंगे। तो मैं इसकी मदद से निकालूंगा। ये फ्लेक्सिबल स्क्रू ड्राइवर है, बोल्ट भी से निकाल सकते हैं। ये काफ़ी तरह से फ्लेक्स होता है। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आप कुछ भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं, स्क्रू लगा सकते हैं, स्क्रू निकालना है अगर कोई तंग जगह से। और मैं मेरे पास 10 mm का इसका बिट है, तो मैं इसमें फिट करूँगा। अरे हमारे पास ये मशीन है, मशीन पर लगाऊँगा मैं इसे। इससे काफ़ी आसानी से निकल जाता है। ये देखिए फ्लेक्सिबल होता है। एक बोल्ट निकल गया हमारा। ये निकालेंगे। ये हर जगह हर कोने कोने में चले जाता है। इसके अंदर एक थर्मास्टेट का स्क्रू है सेंसर का, उसे भी लूज करूँगा। सेंसर इसका जो वो निकाल दूंगा। डब्बे से निकल जाएगा वो थर्मास्टेट। जो आउटर डोर का फ्रेम निकालेंगे, निकला नहीं है पूरी तरह से। ठीक है, निकल गया है हमारा फ्रीजर बॉक्स। ये इस तरह से पाइप में जाता है सीधा नीचे। तो हमें पीछे कैपलरी और ये सेक्शन पाइप काटना पड़ेगा और इसे बाहर खींच देंगे। तो पीछे चलते हैं। तो हमने ये काट दिया है पहले से, हम इसे और छोटा करेंगे। जो इसमें रबर होता है, हमने फिल्टर भी काट दिया था पहले टेस्ट करने के लिए, इसमें पानी गया है नहीं गया, पर पानी नहीं गया इसमें। तो फिर सामने तरफ चलते हैं। अब हम ये खींच लेंगे, इसमें देख सकते हैं इस तरह से डैमेज हुआ है। ऑयल भी है इसमें। अब हम नया बॉक्स लगाएंगे इसमें। ये हमारे पास नया बॉक्स है ओरिजिनल गोदरेज का, खोलते हैं। ये 220 लीटर का फ्रिज का फ्रिज है। ये देखिए इसमें सब कुछ सब आता है, कैपलरी आती है, सेक्शन पाइप आता है नीचे तक लेने के लिए। और इसका जो डोर का फ्रेम टूटा था ये भी हम नया लगेंगे। तो हमेशा एक फ्रीजर बॉक्स चेंज करने से पहले कोई भी कंपनी का आपको इसे पहले सेट करना पड़ेगा। अगर आप ये पहले लगा देंगे बाद में बहुत मुश्किल होता है फ्रेम सेट करना। तो पहले हम इसे फ्रेम सेट करते हैं, इस पर फिर बॉक्स फिट करते हैं। मैं ये डोर का फ्रेम लगा दिया है और इस पर मास्किंग टेप लगा दिया है ताकि फिट करते टाइम गिरे नहीं। फिर बाद में हम निकाल लेंगे। और पाइप भी हमने सीधा कर दिया है, इस पर टेप लगा देंगे। और क्या फिर थोड़ा मोड़ लें ताकि अंदर जाते टाइम कहीं अटके नहीं। यहाँ पे भी टेप लगा दें।
इसके अंदर डालते हैं अभी फ्रिज के अंदर। अब हम इसमें डालेंगे और पीछे हमारे टेक्नीशियन पे जाएंगे, वो पीछे से खींचेगा। पहला कैप ऐसे डालेंगे, स्लो स्लो डालना है आपको। अब हम इसमें बोल्ट लगा देंगे। दूसरा भी हो गया है, तो इसे हम टाइट करते हैं। हो गया टाइट। चलो तो हमारा फ्रीजर बॉक्स फिट हो गया है, ये सब निकाल देंगे और पीछे आपको ले चलते हैं, पीछे क्या करना है बताएंगे। जैसे देख सकते हैं हमारा पाइप आ गया है पीछे, ये सेक्शन में भी डाल दिया है और ये चार्जिंग हमने निपल ब्रिजिंग कर दिया पहले, और ये फिल्टर भी लगा दिया है, इसे भी ब्रिजिंग करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रिजिंग करना, सेक्शन और फिल्टर और कैपिलरी। देख सकते हैं हमारा ये ब्रिजिंग हो गया है, इसे हमने नीचे कर दिया है, ये सब हो गया है। अब वैक्यूम चल रहा है, इसे वैक्यूम होने देंगे 15-20 मिनट तक। फिर इसमें गोदरेज का इसमें R600 गैस है, R600 गैस डालेंगे। वैक्यूम हो चुका है, अब इसमें हम गैस डालेंगे। ये हमारे पास विंग मशीन है, ये R600 गैस है, इसे हम टोल के हिसाब से डालेंगे। हमें 40 ग्राम से डालना है, इसमें फ्रिज पे लिखा हुआ है। हम इसे सेट कर देते हैं, इसमें पहले से वाल्व खोलते हैं। ठीक है, वाल्व खुल गया है। इसको लेटा देंगे, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, देख सकते हैं। इसको टेयर पे कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। थोड़ा इसमें से हवा छोड़ेंगे गैस इसकी गेज में से, फिर अंदर हवा नहीं जा पाए। ठीक है, फिर सेट करते हैं, टेयर पे लगाते हैं। तो गैस डालता हूँ मैं, जा रहा है। आठ ग्राम, 12-13, 20-22
इसमें 39 ग्राम्स लिखा हुआ है, मैं 40 के करीब डालूंगा, 34। अगर आप ये वोइंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अभी नहीं जा रहा है, हम उसे स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, हिल गया है। अभी बंद कर देंगे इसे, थोड़ी देर चलने देते हैं। 36 ग्राम करीब डाला है मैंने, इसका मैं बैक प्रेशर 1 के करीब रखूंगा। हो गया हमारा, इसका प्रेशर मैंने 1 के करीब रखा है, सो कूलिंग आ गई अंदर इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आपने देखा होगा कि हमने कैसे फ्रीजर बॉक्स बदला है, गैस चार्ज की है R600। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।